नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और हमारी क्लास जो स्टैटिक जीके का है, इसको रेगुलर बेस पे देखते होंगे, ठीक है। देखिए, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था, वो कौन सा चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, स्टैटिक जीके पे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें से हमने स्टैटिक जीके का लगभग 2 या 3 क्लास हमने करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोगों का उसी का आगे का पार्ट पढ़ते हैं जो स्टैटिक जीके का है। दोस्तों, हमने एक बात आपसे बताया था कि जो स्टैटिक जीके के जितने जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, यानी जितने ना पूरा इंपॉर्टेंट आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन कई सारे वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। यानी जितने एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, 100% है। अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है, अगर हमारी पढ़ाई हुई आप क्लास देखते हैं, तो गारंटी 100% है कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछेगा। एकदम कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स जो क्लास होगा, वो एकदम हम फ्री में आपको करवा देंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो देखिए, इसमें भी लगभग 12-13 क्वेश्चन है, एकदम पूरी समझ जाइए, जबरदस्त है, धुआंधार वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई नहीं कंफ्यूजन रहेगा। जितने क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हमने बताया कि सारे क्वेश्चन अपने खोपड़ी में अच्छे से सेव कर लीजिएगा कंप्यूटर की तरह, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस, प्रथम महिला आईएएस, आईएएस मतलब क्या है, डीएम, जिसको कलेक्टर साहिबा बोला जाता है, वही पूछ रहा है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है आईपीएस वाला, लेकिन आईपीएस से ज्यादा आपको ध्यान देना है अब आईएएस वाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है, अन्ना जॉर्ज, ठीक है। ये पहली बार इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 1951 में ही हो गई थी, ठीक है। दोस्तों, 1951 में बहुत कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि पूरी तरह से अगर देखेंगे तो 50 में ही जाकर के लगभग बनना, संविधान बनना स्टार्ट हो गया पूरी तरह से। तो 1951 में अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला डीएम आईएएस, जिसको कलेक्टर बोला जाता है, वो बनी थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस। दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और सारे पेपर में लगभग ये पूछ चुका है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन है, किरण देवी। ये बहुत ही जबरदस्त और खूंखार आईपीएस है दोस्तों, ये एकदम पूरा हिम्मत वाली आईपीएस है। और इतने समय अगर देखेंगे तो पांडुचेरी में इनकी ड्यूटी लगी है, कहाँ पे लगी ड्यूटी, पांडुचेरी में। और ये जो रहने वाली है दोस्तों, ये अमृतसर की रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म अगर देखेंगे तो 1900 कब का है, 1949 में है, तो ध्यान देंगे किरण देवी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला, देखिए दोस्तों, जो इंडिया के जो फर्स्ट फीमेल है, उनकी चर्चा हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक ही क्लास में सब कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान देंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, दोस्तों इसमें भी बहुत कंफ्यूजन आता है, एक है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और एक है मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों, दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, कभी कभार भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देता है तो कितने लोग लगाते हैं, सुचेता कृपलानी, अगर मुख्यमंत्री पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू लगा देते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान देंगे, एकदम दिमाग में डाल लेंगे कि जो राज्यपाल है ना, ये सरोजिनी नायडू है, ठीक है। और दोस्तों, कहाँ पे बना था इनका जो पहला स्टेट मिला था, वो यूपी का ही मिला था, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, ठीक है। दोस्तों, अब एक कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे राज्यपाल का पहला अक्षर र पड़ गया और सरोजनी का देखिए र यहाँ पे भी पड़ गया, तो इससे ध्यान देंगे कि र पे यहाँ पे भी है, सरोजनी में भी और राज्यपाल में भी, इस पॉइंट से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। राज्यपाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, ठीक है। अब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है दोस्तों, ठीक है। सुचेता कृपलानी ये भी यूपी का ही, यूपी में ही इनका मतलब इन्होंने बना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एकदम पूरी जबरदस्त क्वेश्चन है, सो दोस्तों जितने क्वेश्चन है समझ जाइए कि एकदम पूरा धुआंधार वाला क्वेश्चन है, आग लगाने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बड़े लेवल में, चाहे यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसके बाद से
सीजीएल का हो गया, यूपीएसआई, बिहार पीसीएस, बाकी दिल्ली पुलिस। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अग्निवीर, अग्निवीर के जो पेपर होने वाले हैं ना, ध्यान देंगे दोस्तों, अग्निवीर वालों ध्यान दो कि आपके पेपर में स्टैटिक जीके अच्छा खासा उसमें है, अच्छा खासा स्टैटिक जीके पूछेगा अग्निवीर में, तो वो सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है दोस्तों कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ज्यादा पुराना नहीं है, 2007 में इन्होंने बने थे और कभी इनका रिटायरिंग हुआ 2012 में, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में थी, ठीक है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भारत की। अगर नहीं पता है तो समझाइए कि सबसे बेकार लड़के आप ही हैं, तो कुछ पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी है दोस्तों, ठीक है। महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या लिखा है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगभग अक्सर पेपर में पूछता रहता है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, ठीक है दोस्तों, मीरा कुमार है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यूपीएससी, यूपीएससी की चर्चा कौन कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है दोस्तों। ये यूपीएफओ हो गया, उसके बाद से यूपी डीएम की हो गया, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। यूपीएससी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, रोज मिलियन बैथ्यू है दोस्तों, मैथ्यू नहीं है, बैथ्यू है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, रोज मिलियन बैथ्यू है दोस्तों, ठीक है। बैथ्यू से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा उटांग पटांग नाम है, तो बैथ्यू से ध्यान रखेंगे, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष दोस्तों, प्रथम यानी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब थी, 1917 में दोस्तों, ये इनका डेट ध्यान रखेंगे, 1917, ठीक है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने बना था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश कौन था, मीरा साहिब फातिमा। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है मीरा साहिब फातिमा, दोस्तों जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में कंप्यूटर की तरह छाप लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जनरली डेली बेस पे भी काम आता है, और क्वेश्चन बहुत ही लगातार पूछता है, हमेशा पूछता रहता है और आने वाले पेपर में भी पूछेगा, तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीबी, फातिमा बीबी से ध्यान रखेंगे, ठीक है, बीबी बीबी से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र, दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो है दोस्तों वो है नीरजा भटोर, नीरजा भनोर, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में कुछ समझिए, जो अशोक चक्र है ना, ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, साहसी वीरता, ठीक है। अब वीरता मतलब देखिए, ये जो भनोर थी ना, ये एयर होस्टेज थी, तो मुंबई से न्यूयॉर्क, मुंबई से दोस्तों न्यूयॉर्क के लिए जो फ्लाइट जा रही थी उसका नाम था एम, दोस्तों उसका नाम था एम फ्लाइट 73, ठीक है, सॉरी पेन एम फ्लाइट 73, इसी पेन एम फ्लाइट 73 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था, उसके बाद से उसी गोलीबारी में बीच बचाव में ही नीरजा भनोट की मौत हो गई थी, गोली लगकर के मौत हो गई थी, तो यानी इनका वहां पे काफी अच्छे से वीरता देखा गया, लोगों को बीच बचाव में इनको गोली लग गई और इनकी मौत हो गई, तो दोस्तों भारत सरकार ने इसीलिए अशोक चक्र पुरस्कार इन्होंने दिया था, जो मरणोपरांत पुरस्कार इनको मिला था, जिसको बोला जाता है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, जो अशोक चक्र है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात क्या है, यूएनओ, ठीक है,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय, ध्यान देंगे जितने उसमें मेंबर होंगे दोस्तों महासभा में, तो सारे मतलब हर देश के जितने मेंबर होंगे सारे देश के वहां पे हर राजदूत होता है, तो भारतीय राजदूत भी होंगे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी दोस्तों, ये वैसे भी राजनीति से ज्यादा इनका संबंध था, तो और भी कई ऐसे अच्छा काम कर चुकी हैं विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश चैनल आ गया, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस उसके बाद से ब्रिटेन के बीच में जो पानी का क्षेत्र है, उस पानी के क्षेत्र को यानी क्रास को ही हम लोग इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह है दोस्तों, ठीक है, आरती शाह है। क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे फेमस, पूरी दुनिया का दोस्तों सबसे फेमस अगर अवार्ड देखेंगे ना, पूरी दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड है कौन सा? नोबेल पुरस्कार दोस्तों, छह क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों, ठीक है, कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा समाज सेविक थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1917 में इनको, नहीं सॉरी 1979 में मिला था इनको, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, समाज सेवक के तौर पे मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। अब ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों, या तो नोट्स बना लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि बार बार कब तक वीडियो देखेंगे, तो नोट्स बना लेंगे, जब पलटेंगे तो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, और पेपर में जाने के पहले आप इस सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में फिर मिलते हैं स्टैटिक जीके पे ही, आज के लिए धन्यवाद।